बात हो गई है, वो कानून के पत्र नहीं है। और 3 दिन का समय उन्होंने हमसे मांगा है। कानून का काम, कानून का पत्र तो अस्वीकार्य नहीं करेगा, लेकिन पटवारी है, पटवारी पे करेगा, लेकिन अगर वो पटवारी में दोषी पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। नहीं होगी तो हमारे लिए ये लोकतंत्र क्या है, खुला है, धरना प्रदर्शन जो हमारे पास अधिकार है करेंगे, लेकिन प्रशासन ने जो एसडीएम महोदय ने, तहसीलदार ने और हमारे जो सीओ मैडम ने, बहुत बात खैर सकारात्मक बात, और उन्होंने जो उनके पास दलाल बैठे रहते हैं उनको हटाने का कहा गया, आज ही लेटर जारी कर लेंगे, किसी पटवारी के साथ पाया गया कार्रवाई। धन्यवाद धन्यवाद। हमारा मकसद भ्रष्टाचार को रोकना है, और मैं आपके जो मोबाइल बना, मैं अपने भाई साथियों से मेरे फेसबुक पर पढ़ रहा हूँ, बहुत कह रहे हैं कि आगे चौहान में गुद्दा नहीं तो कूद जो रहा है, उससे मैं कहना चाहता हूँ कि गुद्दे के बल पर ही कूदा जाता है, अगर गुद्दा नहीं हो तो कूद नहीं सकता। आगे क्या हो, और वो गुद्दा के जोर का नहीं है, ये सब जनता उन्होंने मेरे साथ कानून के लिए, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं लड़ता हूँ, मैं माता हूँ, बहने भाई बुजुर्ग किसान जी भाई के हमारे उनके साथ जो हुआ था उसके लिए हमें करना पड़ा, लेकिन ये किसी के साथ भी होता है, क्योंकि गरीब आदमी पिसता है, देखो अमीर को कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, मैं आपको बता, पटवारी हो, कानून को कोई हो, वो सब रिश्वत गरीब से लेते हैं। और यही बात मैंने उनसे कि मुझे तकलीफ तब होती है, तुम अमीर से ले लो, मुझे नहीं होती तकलीफ, एक बात कि उसको बहुत पैसा, लेकिन गरीब आदमी 300 रुपये की मजदूरी करता और उससे पैसा जाता तो वो मुझे तकलीफ है। ये लड़ाई मेरी जारी है, जब भी कभी आपको मेरी जरूरत हो मैं आपके साथ हूँ, जैसे आप मेरे साथ हैं, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद। ठीक है।